हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत, आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये पिलर कैप का काम चल रहा है, इधर ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, इधर ये पिलर भरा जा रहा है गाइस। देख सकते हैं ये भर दिया गया है, और ये देखिए इस पर रिंग लगाए जा रहे हैं, इधर ये पिलरों पे इन पर रिंग लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये हमारे जो NCR का ईस्टर्न पेरिफेरल आ जाता है गाइस, यहीं से होके गुजर रहा है। तो देख सकते हैं ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, जो कि सरियाओं द्वारा खड़ा किया जाता है। फिर इसमें रिंग लगाने के बाद में गाइस इसको कॉन्क्रीट की मदद से ये भरा जाएगा। और भरने के बाद में फिर इस पर पिलर कैप का काम किया जाना है। और पिलर कैप का काम होने के बाद में फिर गाइस ये लॉन्चर के द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि ये आपको बता दें इन पिलरों की हाइट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ईस्टर्न पेरिफेरल को क्रॉस कर रहा है गाइस। देख सकते हैं तस्वीरें, ये सामने है। और आपको बता दें ये जो आपको ये जो स्टील का ये ब्रिज बनाया गया, ये बहुत भारी भरकम है, स्टील की मदद से ये बनाया गया है, क्योंकि ताकि ये ईस्टर्न पेरिफेरल पर अगर कंक्रीट की मदद से बनाते तो उस पर थोड़ी दिक्कत होती। ये बनाया ऐसे ही खिसका दिया गया। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ये जगह है गाइस, ये है दोहाई गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में आता है गाइस। और यहीं पर डिपो बनाया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो आप लोगों को दिखाया था। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। तो देख सकते हैं वो लाइन चली जाती है दोहाई डिपो के लिए, और ये लाइन सीधी चली जाती है सरायकाले खां दिल्ली के लिए गाइस। तो देख सकते हैं अभी हम आ रहे हैं मुरादनगर की साइड से गाइस, और देखिए यहाँ पर ये दोहाई का स्टेशन बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है। और आपको बता दो जो बीच में जो पिलर है, जो क्या नाम है, जो इसका गाटर है जो बीच वाला, वो आपको बता दो यार्ड में बन के आता है ट्रक द्वारा। देखिए वो ये जो इस पे जो वर्कर खड़े हुए हैं, ये यार्ड में बन के आता है। फिर ये आपको बता दो, देखिए ये मिस्त्रियों ने ये सेटिंग लगा रखी है, सेटिंग लगाने के बाद में फिर इसको जोड़ दिया जाएगा, इसके कोने जोड़े जाते हैं गाइस, के बीच में तो ये रख दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये चल रहा है, क्योंकि फिर इसके बाद में इस पर एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये गाइस आपको बता दूँ ये गाटर की मदद से ये जोड़ा जा रहा है, इधर ये गाटर की मदद से जोड़ा जाएगा। इस पर गाटर रखेंगे, गाटर रखने के बाद में फिर इसे कॉन्क्रीट की मदद से इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। फिर इस पर पटरियाँ बिछाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक की लाइन डाली जाएगी। इलेक्ट्रिक की लाइन डालने के बाद में जैसे कि देखिए ये रहे गाटर, इसी तरीके से उधर रखे जाएंगे गाइस। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है ये स्टेशन दोहाई का। और देखिए ये लॉन्चर एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ता हुआ जा रहा है मेरठ की साइड में गाइस। तो यही नज़ारा है, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर गाइस, और ऐसे ही मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि जो नीचे के वो थे पिलर वो जोड़ दिए गए हैं, मतलब जो साइड कैप थे वो जोड़ दिए गए हैं। अब इस पर उधर देखिए, उधर भी ये आपको बता दूं गाटर रखे जाने, जैसे कि ये रख गए गाटर, उधर भी रखे जाएंगे गाइस। और हम चल रहे हैं गाज़ियाबाद के साथ में तेज़ी के साथ में गाइस बढ़ते हुए। तो हम चलेंगे आज दोहाई से और गाज़ियाबाद के बीच का, हम जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है कितना हुआ है क्लियर, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इन्जॉय करो, और मिलता हूँ मैं आपसे लास्ट में गाइस।
गाइस देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि जो बीच वाला ड्राइवर है डिवाइडर है देखिए वो भी लगा दिया गया है और यहाँ पर काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है डिवाइडर लगाकर और इसको प्लांटेशन कर दिया गया है। देख सकते हैं ये पेड़ लगे हुए हैं बीच के डिवाइडर में गाइस। तो आप देख सकते हैं क्या ये पहले दो लेन का हुआ करता था, अब थ्री लेन का ये रोड भी हो गया है और ऊपर से ये रैपिड रेल भी अब दौड़ेगी इस रूट पर गाइस। तो आपको बता दूं कि जो ये रूट बनाया जा रहा है ये 82 किलोमीटर का है गाइस। और आपको बता दूं कि इसकी जो लागत आई है वो 30,772 रुपए की लागत आई है इसमें गाइस। और आपको बता दूं कि जो यहाँ पर वर्कर कर रहे हैं वो 16,00,000 वर्कर काम कर रहे हैं इस पर और जो इंजीनियर्स हैं वो 11,000 इंजीनियर और 16,000 वर्कर गाइस इस रूट पर काम कर रहे हैं तेज़ी के साथ में। तो देख सकते हैं ये आ गया गुलडहर का RITS का स्टेशन। और आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो टीन सेट का जो वो बनाया जा रहा है वो टीन सेट भी इन्होंने लगा दिया है गाइस। और अब हम चलेंगे सीधे गाज़ियाबाद के लिए। अब गाज़ियाबाद का आपको दिखाते हैं कि गाज़ियाबाद का क्या काम है, कितना हो चुका है। तो आप बने रहिए बस केपी संत के साथ में और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं तस्वीरें, ये है गाज़ियाबाद RITS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है। और आपको बता दूँ ये स्टील की मदद से ये गाटर्स रख दिए गए हैं इस पर। और आपको बता दूं कि इस पर जो ये छेद छेद से चमक रहे अभी इन पर भी लगाया जाना है क्योंकि सबसे ऊपर वाला टॉप का जो पार्ट है वो अभी क्लियर हुआ है लेकिन नीचे वाले अभी पार्ट बचे हैं जिन पर पब्लिक आवाजाही होगी, जिन पर मशीनें लगेंगी टोकन वाली, वो चीज़ इन पर देखिए अभी हर जगह इन पर देखिए गाज़ियाबाद वाले स्टेशन पर इस पर गाटर्स रखे जा रहे हैं अभी। कहीं कहीं फ्लोरिंग का काम हो गया है, कहीं कहीं इस पर हर जगह इस पर गाटर अभी जो गाटरिंग रखने का काम है वो चल रहा है गाइस। और इसमें फ्लोरिंग का भी काम चल रहा है तो सबसे ज़्यादा इसमें गाटरिंग का काम चल रहा है गाइस। और जैसे ही हम आगे चलेंगे तो इसमें एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है गाइस, जो कि इसके दोनों पिलर के कोने हैं वो भरे जा रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं क्योंकि उधर सेटरिंग लगी हुई है, देखिए वो देख सकते हैं सामने ये गाड़ी के ऊपर देखिए सेटरिंग लगी हुई है और ये दोनों कोने भर रहे हैं। इस पिलर का भी कोना भरा जा रहा है, उस पिलर का भी भरा जा रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये आपको बता दें ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जो कि हमारा यहीं से मेरठ रोड स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो देख सकते हैं किस तरीके का ये बनाया जा रहा है और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। देखिए किस तरीके से ये स्टेशन बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में गाइस, और आप लोगों के बीच में ऐसे ही ब्लॉग्स लाता रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई